नमस्ते दोस्तों, जो जो लोग वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड है या रिसेंटली जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे हैं, वो सारे लोग वोडाफोन आइडिया के हर न्यूज़ पे बहुत ही बारीक नज़र रखे हुए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसकी न्यूज़ नेगेटिव ही आ रही है रिसेंट टाइम में, स्पेशली उसके AGR केस से रिलेटेड हम लोग आउटकम की राह देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से वो खींचा चला जा रहा है। होप करते हैं कि अगले कुछ दिनों में उस AGR केस का आउटकम फाइनली आ जाएगा। और रिसेंटली आपने ये भी पढ़ा होगा कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इन दोनों ने काफ़ी बड़े बड़े सब्सक्राइबर नंबर्स के लॉसेस रिपोर्ट किए हैं TRAI के फिगर्स में। ये मई महीने के फिगर्स अभी रिसेंटली बहुत कुछ ही दिन पहले रिलीज हुए थे और दोनों ने तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए, ऐसे हेडलाइन आई थी। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा होगा कि वोडाफोन तो डूबते डूबने की तरफ ही जा रहा है, लेकिन उनके जो नंबर्स है उसको सही मायने से देखना बहुत ज़रूरी है। तो TRAI के फिगर्स में से मैंने कुछ मेरे एनालिसिस के लिए कुछ नंबर्स निकाले हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, इनमें से कई सारे नंबर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ ब्रॉड बेस्ड सब्सक्राइबर नंबर्स देखने के बजाय अगर इसमें से थोड़े से जो फाइनर डिटेल्स है वो अगर हम देखें तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है कि वोडाफोन आइडिया एज अ बिजनेस कैसा कर रहा है या किस दिशा में जा रहा है। शुरू करने से पहले आपको ये तो पता ही होगा सबको कि पिछले 2-3 महीनों से या 4 महीनों से हम कह सकते हैं, स्पेशली मार्च महीने के बाद जब से कोविड की वजह से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, तब से पूरे ऑल ओवर इंडिया बिजनेसेस पे फर्क पड़ा है। बहुत से जो लोगों को ऐसे लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से टेलीकॉम कंपनीज को उसका बहुत फायदा होगा करके, लेकिन एक तरफ जहाँ पे उनको वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंजम्पशन तो बढ़ गया है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में बढ़ गया है, लेकिन ऐसे बहुत से ऑफिसेस हैं जो बंद पड़ चुके हैं, जिनके बिजनेसेस या जिनके ऑपरेशंस पिछले 3-4 महीनों से बंद है। तो वैसे कई सारे ऑफिसेस, कई सारे बिजनेस के लोग हैं जिन्होंने, हो सकता है उनके टेलीकॉम सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स शायद रोक दिए हो या कैंसिल कर दिए हो, तो उस वजह से इन सारे मोबाइल ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिला है। ओके, सो अभी शुरू करते हैं आगे के डिटेल्स। बेसिक नंबर्स पे जाने से पहले थोड़ा ब्रॉडली हम वोडाफोन आइडिया के ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस का कॉम्पोजिशन देख लें। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया पहले से 2G नेटवर्क तो ऑपरेट कर ही रहा था ऑल ओवर इंडिया, साथ ही साथ उन्होंने जब 3G नेटवर्क के बाद जब 4G नेटवर्क पिछले 3-4 साल में एक्सपांड किया है, तो अभी वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन कवरेज के रेंज में पहुंच चुका है। तो 2G और 4G नेटवर्क इस पे उनका ज़्यादा फोकस है, 3G नेटवर्क मोस्ट प्रोबेबली उनके अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे वो बंद करते जाएंगे और मेजर फोकस उनका 4G पे ही रहेगा। 2G नेटवर्क उनका पुराना नेटवर्क है जिसपे वो लोग और एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं कर रहे और सिर्फ उनके जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो फिर अभी भी 2G फोन्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने वो चालू रखा है, उसमें से अभी भी उनको कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे वो रेवेन्यू गिरते जाएगा वैसे वैसे वो लोग 2G नेटवर्क भी बंद करते जाएंगे और पूरा फोकस 4G पे आ जाएगा, लेकिन उसको हो सकता है थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी एट द एंड ऑफ मई यानी कि मई महीने के एंड में वोडाफोन आइडिया के टोटल 310 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स थे। ओके, सो उसमें से कॉम्पोजिशन कैसा है वो देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 197 मिलियन प्रीपेड 2G यूजर्स है। ओके, जो ज़्यादातर वॉइस के लिए यूज करते हैं और इनमें से कई लोग शायद वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को एज अ बैकअप सिम या सेकेंड सिम करके ही यूज करते हैं, तो वो मिनिमम रिचार्जेस पे ही काम करते हैं ज़्यादातर, और उस वजह से उस ये जो सारे यूजर्स है वो उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है हर महीने का वो 100 रुपीज से काफ़ी कम है, हो सकता है 60-70 के रेंज में हो। उसके बाद उनके पास तकरीबन 93 मिलियन प्रीपेड 3G 4G यूजर्स है, उसमें से ज़्यादातर अभी 4G है, 3G के ज़्यादा यूजर्स अभी बचे नहीं हैं,
लेकिन ये जो 93 मिलियन 3G 4G यूजर्स है वो लोग ज़्यादातर डेटा सर्विसेज के वॉइस के साथ साथ डेटा सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, और इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 160 रुपीज़ से थोड़ा ऊपर होगा। इसके अलावा उन वोडाफोन आइडिया के पास ऑलमोस्ट 20 मिलियन पोस्टपेड यूजर्स है, और ऐसा एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पोस्टपेड यूजर्स है वो ऑलमोस्ट एंटायरली 4G नेटवर्क पे ही काम कर रहे हैं, 4G नेटवर्क ही यूज कर रहे हैं। तो ये 20 मिलियन जो पोस्टपेड यूजर्स है इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 500 के ऊपर होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पोस्टपेड प्लान्स आजकल 500 के नीचे के ज्यादा उनके पास पोस्टपेड प्लान्स है ही नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ द ये यूजर जो है वो कॉरपोरेट यूजर्स है या बिजनेसमैन लोग है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 500 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। तो अभी इस ओवरऑल कॉम्पोजिशन में अगर हम देखें तो 197 मिलियन के जो 2G प्रीपेड यूजर्स है, इसमें से अगर वोडाफोन आइडिया कुछ मिलियंस यूजर्स लूज भी करे इस लॉकडाउन पीरियड में, हो सकता है उन्होंने उसमें से काफी सारे यूजर्स लूज किए हैं, या फिर उनका यूसेज सडनली बंद हो गया है, क्योंकि जिनका सेकेंड सिम करके वो रखे रहे थे वो तो डेफिनेटली शायद रिचार्ज करना बंद कर दिया होगा उन्होंने। तो अगर इस 197 मिलियन में से अगर 10-20 मिलियन कम भी हो जाए तो भी वोडाफोन आइडिया को रेवेन्यू टर्म्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब 3G 4G यूजर्स या फिर पोस्टपेड यूजर्स में से काफी सारे लोगों ने अगर वोडाफोन आइडिया के सर्विसेज छोड़ना शुरू कर दिया तो उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आगे आने वाले 1-2 महीनों बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें इन नंबर्स में ज्यादा फर्क पड़ रहा है या नहीं। फिलहाल ये नंबर्स जो है वो मई एंड के हैं और ये एकदम लॉकडाउन के बीच का महीना है। अप्रैल मार्च एंडिंग से लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल में उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ, मई महीने में सबसे ज्यादा हमने देखा कि माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह अपने अपने घर जा रहे थे, तो उस वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स पे भी लोड सडनली शिफ्ट हो गया, उनके यूजर बेस में भी काफी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आए। तो जून महीने में भी एक और महीना और इम्पैक्ट हमें दिख सकता है, और जुलाई ऑनवर्ड जैसे जैसे इकोनॉमी अभी ओपन हो रही है, अनलॉक के फेजेस शुरू हो चुके हैं, वैसे वैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे यूजर्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे और इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकेंगे। अब वायरलेस के अलावा वोडाफोन आइडिया वायरलाइन सर्विसेज भी ऑफर करते हैं कई सारे शहरों में, तो उनके पास अभी मई एंड के तक तकरीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। वोडाफोन आइडिया के वायरलाइन सब्सक्राइबर्स में ज़्यादातर कॉरपोरेट्स या बिजनेसेस के होने की ज़्यादा चांसेस है, और हाई राइजेस बिल्डिंग्स में भी वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादातर ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो एक्सपेक्टेड है कि 1,000 रुपीज़ के ऊपर होगा, और इसमें भी कैसा प्रोग्रेस है वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मंथ वाइज यानी कि जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं, वीएलआर सब्सक्राइबर्स एडिशन, वीएलआर मतलब बेसिकली एक्टिव सब्सक्राइबर्स के सब्सक्राइबर बेस में चेंजेस कैसे हुए हैं तीनों ऑपरेटर्स के लिए, तीन मेन ऑपरेटर्स जो है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, इन तीनों ऑपरेटर्स के मैंने फिगर्स चार्ट पैटर्न में आपके सामने रखे हैं। तो जनवरी में अगर आप देखें तो उस वक्त जियो एज यूजुअल काफ़ी बड़े नंबर्स ऐड कर रहा था, एयरटेल ने ज़्यादा लूज किए थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया के थोड़ा सा ही लॉस हुआ था। फरवरी महीने में वोडाफोन आइडिया के लॉसेस थोड़े बढ़ गए, एयरटेल और जियो दोनों ने पॉजिटिव एडिशन दिखाया है। मार्च महीने में वोडाफोन आइडिया के लॉसेस घट गए, पॉजिटिव में नहीं गया लेकिन लॉसेस घट गए थे, एयरटेल का भी नंबर पॉजिटिव थोड़ा सा पॉजिटिव था और जियो ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन अगर आप अप्रैल के फिगर्स देखें तो तीनों के तीनों ऑपरेटर्स के सडनली एक्टिव सब्सक्राइबर बेस का फिगर एकदम शार्पली नेगेटिव गया है, तीनों एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया तीनों का। एज एक्सपेक्टेड वोडाफोन आइडिया का नंबर सबसे खराब है, ऑलमोस्ट 14 मिलियन उन्होंने एक्टिव सब्सक्राइबर्स लूज किए अप्रैल के एक महीने में। हम थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि अप्रैल के महीने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट लॉकडाउन का दिखा था, और वो एक्सपेक्टेड है कि मई महीने में भी कंटिन्यू हुआ, और जून महीने से ऑनवर्ड्स धीरे धीरे भी वो इम्पैक्ट कम होते होते पॉजिटिव की तरफ जाने के एक्सपेक्टेड है।
मई के फिगर्स आप देखें तो उसमें सडनली शार्प रिवर्सल आया है जियो के फिगर्स में। जियो ने ऑलमोस्ट 6.2 मिलियन पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन दिखाया है। एयरटेल का बहुत ही छोटा सा नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा खुश होने की बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का फिगर और बहुत बिगड़ा नहीं है। उनका भी वीएलआर सब्सक्राइबर एडिशन का फिगर जो है वो नेगेटिव है, लेकिन उतना नेगेटिव है नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। भले ही उन्होंने 5 मिलियन या 4.5 या 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए हो, लेकिन उनका एक्टिव यूजर बेस जो है वो सिर्फ 2.8 मिलियन से ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे उतना नेगेटिव नहीं है जितने हेडलाइंस में हमें बताया था। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के एडिशंस कैसे हुए थे। अभी ब्रॉडबैंड में ये ज़्यादातर वायरलेस का मेजर कॉम्पोजिशन है इसमें, और ब्रॉडबैंड में 3G 4G यूजर्स ही ज़्यादातर काउंट होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जनवरी से लेके अप्रैल तक के फिगर्स में वोडाफोन आइडिया का ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स का एडिशन इन तीनों ऑपरेटर्स में वर्स्ट रहा है। जनवरी में भी थोड़ा सा नेगेटिव था, फरवरी में थोड़ा सा पॉजिटिव था, मार्च में भी फिर से थोड़ा सा नेगेटिव आया, और अप्रैल महीने में शार्पली नेगेटिव है एयरटेल के लिए भी और वोडाफोन आइडिया के लिए भी। सिर्फ जियो ने पॉजिटिव दिखाया क्योंकि उनके सारे के सारे वायरलेस यूजर्स जो है 4G नेटवर्क पे है, और इसीलिए वो सारे के सारे ब्रॉडबैंड में काउंट होते हैं। भले ही उनमें से कई सारे यूजर्स तो सिर्फ जियो फोन यूज करते हों, लेकिन वो 4G होने की वजह से ब्रॉडबैंड में काउंट किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम जियो के ब्रॉडबैंड यूजर्स के नंबर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो बेहतर होगा। मई के महीने में काफी सरप्राइजिंग बात हमें दिखती है। मई के महीने के नंबर्स आप चार्ट देखिए कि वहां पे एयरटेल ने 1.2 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स का एडिशन दिखाया है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने उससे बेटर एडिशन दिखाया है 1.68 मिलियन का। इनफैक्ट इन 5 महीनों में वोडाफोन आइडिया ने बेस्ट एडिशन का फिगर मई के महीने में दिखाया है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग और एक पॉजिटिव बात है सारे शेयर होल्डर्स के लिए कि उन्होंने 1.68 मिलियन का सब्सक्राइबर, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, जहाँ पे 4G के ज़्यादा होने के चांसेस है, तो 4G सब्सक्राइबर्स में अगर उन्होंने 1.68 मिलियन यूजर्स ऐड किए 1 महीने में, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिख रहा है। अभी ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं, वो जून और जुलाई के फिगर्स जैसे जैसे आएंगे हमें पता चलेगा, लेकिन शुरुआत तो अच्छी लग रही है मई के महीने में। तो लेट्स सी, होप करते हैं कि जून और जुलाई में यह ऐसा ही ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो। फाइनली वायरलाइन सब्सक्राइबर एडिशंस के फिगर्स देखे जनवरी ऑनवर्ड्स, तो दिसंबर एंड में वोडाफोन आइडिया के तकरीबन 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे वायरलाइन के। जनवरी से लेके मार्च तक उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, अराउंड 52-53,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे। काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, मोर देन 10% का जंप हुआ था सब्सक्राइबर बेस में एक क्वार्टर में, लेकिन मार्च एंड से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से उसमें सब्सक्राइबर एडिशन में थोड़ा सा ड्रॉप आया है। अप्रैल महीने में फिर भी उन्होंने पॉजिटिव एडिशन दिखाया तो है, लेकिन मई के महीने में थोड़ा नेगेटिव एडिशन दिख रहा है। अराउंड 9,000 सब्सक्राइबर्स उन्होंने मई के महीने में लूज किए हैं। तो ये इसका रीजन भी मोस्ट प्रोबेबली वही है कि बहुत सारे कंपनीज के ऑफिसेस वगैरह लॉकडाउन की वजह से सडनली उनको बंद करके रखना पड़ा था, तो उन्होंने काफी सारे लोगों ने जो भी टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बिलिंग्स थे, कनेक्शंस थे, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया हो सकता है। जैसे जैसे वो वापस ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है वो वापस ज्वाइन करे, कनेक्शन रिकनेक्ट कर दे। ओके, सो आने वाले महीनों में उसका भी हमें बेटर आइडिया आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमने जो भी फिगर्स देखे, सो जो भी सब्सक्राइबर एडिशंस के फिगर्स देखे, उसमें से तो क्लियर लगता है कि अप्रैल का एक महीना अगर हम इग्नोर करें, अप्रैल के महीने में बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था सारे ऑपरेटर्स के लिए आया था, वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ ज़्यादा ही आया था, लेकिन अगर वो एक महीना हम इग्नोर करें तो उतनी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट थोड़े पॉजिटिव्स भी है, स्पेशली जहाँ पे हमने देखा कि 4G यूजर बेस में वोडाफोन आइडिया ने मई के महीने में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। और अगर वैसा ही वो सिर्फ 1 मिलियन के भी अगर सब्सक्राइबर, 4G के सब्सक्राइबर हर महीने ऐड करने में कामयाब हुए, तो भी उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो 4G यूजर्स है ये ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं कंपनी के लिए। तो फाइनली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो
अभी तक वोडाफोन आइडिया में अगर इन्वेस्टेड है तो उनको डेफिनेटली यूजफुल लगेगा।